एक लीव है अपने 41 रुपीस का, तो जैसे ये 410 रुपए हो गए। नेबरहुड फॉर जिप्सीज, रोमा पीपल, या भाई ये करके हम लैंड सोफिया एयरपोर्ट बुल्गारिया में, और अभी यहाँ से मेट्रो ढूंढ के पहले अपने हॉस्टल पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं पूरी कहानी कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरा फ्लाई करने का, मेरे से क्या क्या सवाल पूछे गए। तो पहले ढूंढते हैं मेट्रो, वो रहा सामने M लिखा है उस पर, तो वो रहा मेट्रो स्टेशन। तो ये आ गए हम सामने मेट्रो स्टेशन पर, थोड़ी थोड़ी रशियन सी लिखी हुई है, मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे पता नहीं क्या चलती है भाषा, यहाँ तो बुल्गेरियन भी उसकी स्क्रिप्ट रशियन वाली है, आई डोंट नो, मुझे तो रशियन लग रही है देखने में। अब यहाँ पे टिकट लेनी है भाई, टिकट टिकट टिकट, हाँ इसमें तो है भाषा इंग्लिश, तो हमें सिंगल टिकट लेनी है और कार्ड से ले देंगे। तो ये टिकट मिली है 160, मतलब कि तकरीबन 60 रुपये की होगी, जो एक करेंसी यहाँ की है वो 40 रुपये है अपने। तो इधर से अंदर घुसते हैं और फिर मेट्रो लेते हैं, यही खड़ी है दो ही लाइनें हैं। तो अपने को ये वाली मेट्रो लेनी है, ये सेंटर जाएगी और सेंटर से अपना वॉकिंग ही है हॉस्टल, तो फटाफट घुसते हैं इसमें। अच्छी लग रही है मेट्रो तो, साफ साफ सी। ये भाई पहले नज़ारे इस नए देश से, तो ये देखिए साइमल्टेनियसली ये नई वाली ट्रैम है और वो पुरानी वाली ट्रैम भी चल रही है साथ साथ, तो मुझे तो काफ़ी सही वाइब्स ही आ रही हैं अभी। पहले हॉस्टल जाके अपने रखते हैं सामान, थोड़ा फिर निकलेंगे घूमने फिरने और खाने पीने, और तब आएगी असली असलियत सामने इस शहर की। तो मेरे हॉस्टल के बाजू में ये वाला एटीएम था, मैंने इससे निकाले पैसे और इसने पूछा ही नहीं कि कोई फ़ीस लगेगी नहीं लगेगी, इसलिए उसने पैसे निकाल दिया और कोई फ़ीस लगी भी नहीं, तो ज़ीरो फीस में अपना काम हो गया। तो मैंने निकाले हैं तकरीबन 200, जो भी इसको बोलते हैं लीव बोलते हैं क्या बोलते हैं, BGN लीव। तो ये होता है एक लीव है अपने 41 रुपीज़ का, तो जैसे ये 410 रुपये हो गए। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे हॉस्टल में बोल रहे थे कि कैश मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो मुझे निकालने पड़े। तो ठीक है भाई अभी चलते हैं खाना खाने कहीं ढूंढते हैं कुछ। तो यहाँ पे एक ये दुकान थी पिज़्ज़ा स्टेशन, ये मैंने लिया एक स्लाइस, ये मिला 3 इनकी करेंसी, मतलब अपने 120 रुपये इनकी करेंसी, पता नहीं क्या लीव लीव कुछ नाम है उसका यार। देखिए यहाँ पे जो मेट्रो मतलब ट्रैम चलती है वो पुरानी भी चलती है, जैसे ये ना येलो सी, जब मैं कहता बूडापेस्ट 2017 में तब देखी थी, मतलब वैसी वैसी लग रही है ये। तो यार जो मेरा पहला मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन है इस जगह का, मतलब काफ़ी मिक्स सा है, देख लगता है कि हाँ इतना कोई अमीर देश नहीं है, बट गाड़ियाँ टेस्ला वेस्ला मर्सिडीज ये सब देखी मैंने, तो अभी तो मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे कोई, लेकिन मैंने पहले देखी थी। और अभी मैंने एक कैफ़े पे कॉफ़ी पी और कोई केक वेक खाया, तो उसका भी तकरीबन 6 यूरो आया शायद, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ 6 यूरो, तो अगर मतलब उतना सस्ता भी नहीं है उतना महंगा भी नहीं है। तो जो मैंने हॉस्टल बुक करा यहाँ पे वो भी 800 रुपये का पड़ा मुझे एक रात, तो मैंने 3 रात बुक कर दी। काफ़ी बड़ी डॉर्मेटरी है, 20 बेड हैं उसमें, लेकिन ठीक है नाइस हॉस्टल, तो मतलब उतना सस्ता भी नहीं है शहर और उतना महंगा भी नहीं है। अभी बात करते हैं कि जब मैंने कल फ़्लाइट ली, पेरिस का एक एयरपोर्ट है शहर के बाहर ही कहीं पड़ता है जाके वो, और भाई उस एयरपोर्ट से लेने में मुझे मौत आ गई फ़्लाइट, एक तो वो शहर के बाहर था, फिर रात को उन्होंने एयरपोर्ट बंद कर दिया तो हमें बाहर बैठना पड़ा,
फिर फ्लाइट लेट थी तो रायन एयर से आया मैं। एनीवे तो बुल्गेरिया आने के लिए कुछ चाहिए, शेंगन वीज़ा आपके पास अगर हो तो यू कैन एंटर बुल्गेरिया। मेरे को भी उसने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे क्या करोगे आके, जब आया जब मैं लैंड करा यहाँ पे सोफिया में कि कितने दिन रहोगे, तो मैंने कहा मेरे पास शेंगन वीज़ा, आई कैन स्टे 90 डेज। बोली हाँ, क्या करने आए हो? मैं क्या वीडियो बनाने आया हूँ। तो आराम से हो गया। फिर मैंने मेट्रो ली और वो तो दिखा दिया मैंने आपको, मेट्रो लेके मैं हॉस्टल आ गया। तो आज अभी रेस्ट करते हैं, हो गया बहुत आज का, कल शुरू करेंगे। तो यार जैसे हम लोग को लगता है कि बुल्गेरिया सेफ जगह नहीं है, सोफिया कैपिटल में हूँ अभी मैं, और लोग लगता है कि इतना सेफ नहीं है रात को चलना फिरना। तो लाइक अभी आई हैव राइली विद मी, लाइक यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर योर होल लाइफ ऑलमोस्ट। या एंड देन इट्स लाइक 12 मिडनाइट एंड यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, सो इट्स ओके। Sometimes, but we're near the city center, so it's fine. We're not near some buildings that people are living or sketchy neighborhoods. So yeah, it's so there are fine. Some sketchy neighborhoods in the city. Yeah, there are some in the outskirts of town. Of course, we have neighborhood for gypsies. The Roma people. They're living there, and it's their own territory. Okay. Even the police sometimes they don't want to go there. Okay. So like it's not that safe. Like some neighborhoods. No, you shouldn't. Yeah, some neighborhoods are not worth visiting if you want to have your belongings with you. Okay. तो भाई कल जो बंदी वो बोल रही थी रोमा पीपल, तो रोमा पीपल एक्चुअली रोमानी पीपल होते हैं, जिप्सी लोग हैं जो कि शुरू इंडिया से ही हुए थे, राजस्थान पंजाब से बहुत साल पहले, और अब वो तकरीबन दुनिया में हर एक जगह फैले हुए हैं, और वो काफ़ी नोटोरियस है, मतलब वो ऐसे काफ़ी बदनाम है वो, कि काम वाम कुछ इतना कुछ नहीं करते, वो चोरी चकारी करते हैं, बिजली पानी के बिल नहीं देते, इलीगली घर बना के रहते हैं। तो इसलिए मुझे बोल रही थी वो कि यार हम तो बहुत तंग हैं उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप टैक्स, ये लोग टैक्स दे रहे हैं और सरकार उन पर पैसा खर्च कर रही है, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे तो लोग उनसे परेशान ही होंगे, और स्पेशली जब वो किसी और देश से आए हुए हैं। तो ये है रोमानी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, मेरा मन था यहाँ पे कॉलोनी है रोमानी लोगों की, लेकिन मैं जा नहीं पाया वहाँ पे, ऑब्वियसली इतनी सेफ नहीं है वो जगह, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा अगले शहर में जाने की। एनीवे आज हम एक कर रहे हैं वॉकिंग टूर पे देखेंगे, थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे शहर के बारे में। सो मतलब वो फ्री होता है टूर, फ्री एज इन आपको टिप देनी पड़ती है एंड में, जो भी टिप देनी है आपको, वैसे वो कुछ आपसे पैसे नहीं मांगते शुरू में। तो 2 घंटे का टूर है, तो उसमें जानेंगे हम बुल्गेरिया और सोफिया की हिस्ट्री। तो यार क्या होता है कि हर यूरोपियन सिटी में फ्री टूर्स होते हैं जो कि हर दिन शुरू होते हैं सुबह सुबह, तो आज मैं एक फ्री टूर करने आया हूँ, तो ये सब लोग फ्री टूर करने आए, मेरे हॉस्टल से भी काफ़ी लोग आए हैं, सो लेट्स डू दिस फ्री वॉकिंग टूर।
तो यार जो बुल्गारिया है ये शुरुआत मतलब इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं हिस्ट्री की, मतलब पहले यहाँ पे रोमन लोगों ने राज किया, फिर उसके बाद ऑटोमन एम्पायर जो टर्किश एम्पायर है वो आ गया, और टर्किश एम्पायर आने के बाद यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल रहा, कम्युनिस्ट रूल के बाद इनका खुद का राजा, मतलब राजा आया फिर कम्युनिस्ट रूल आया और अब तो डेमोक्रेसी है। मतलब यहाँ पे पहले बहुत सारी मॉस्क थी, जब ऑटोमन एम्पायर था तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी मॉस्क थी, लेकिन फिर जब ऑटोमन एम्पायर का ख़त्म हुआ काम तो जितने भी मुस्लिम लोग थे वो सब चले गए छोड़ के, तो अब जब लोग चले गए तो जो मॉस्क थी वो वीरान हो गई, ठीक है, वहाँ पे कुछ आता ही नहीं था। तो उन्होंने मतलब जो बताया मुझे मेरे गाइड ने कि जो मीनारें थी मॉस्क की उन्होंने उसमें एक्सप्लोजिव फिट कर दिए, और एक रात को बहुत तूफान आ रहा था तो उन्होंने तूफान के अंदर ही वो एक्सप्लोजिव ब्लो कर दिए, और लोगों को लगा कि भाई तूफान से गिर गई मीनारें, लेकिन जनरली वो सब एक्सप्लोजिव से गिराई गई। और फिर जितने भी मॉस्क थी उन सबको कुछ ना कुछ और बनाया गया, किसी को चर्च बना दिया, किसी को स्कूल बना दिया, किसी को हॉस्पिटल बना दिया, तो वो बिल्डिंग को यूज़ करा लेकिन अभी वो मॉस्क नहीं रही। तो अभी सोफिया शहर में इकलौती एक ही मॉस्क है जो कि काफ़ी सिमिलर है इस्तानबुल की मॉस्क के, मतलब क्योंकि सेम ऑटोमन एम्पायर था इस्तानबुल में भी, तो सेम ही आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बनाई थी मॉस्क, तो वो काफ़ी सिमिलर है इस्तानबुल की मॉस्क से। तो यार क्योंकि रोमन सिटी थी पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे रूइंस हैं, तो जब यहाँ मेट्रो बन रही थी तो जब भी वो खोदते थे वो, तो दे यूज टू फाइंड सम रोमन रूइंस, तो बोला जाता है कि यहाँ जो लाइन टू बनी थी लाइन वन के बाद दे हैड टू मूव द स्टेशन अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो काफ़ी रूइंस हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। आप जाएंगे फ्री है, आप जाते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और बहुत सारे आपको रूइंस देखने को मिलते हैं विच आर द रोमन रूइंस। तो यहाँ की करेंसी एक्चुअली है लीव, और वो उसका मतलब होता है लायन, तो यहाँ पे शेर बहुत मतलब सही मतलब शेर को बहुत यूज़ करते हैं, हर बिल्डिंग के बाहर शेर बने हैं, करेंसी पे शेर बने हैं, और करेंसी का नाम का मतलब भी शेर ही है। यानी करेंसी है दैट इज़ इक्वल टू 41 इंडियन रुपीज़, तो मतलब कि लगा लीजिए आधा यूरो। तो देखिए ये है 5 का नोट है, ये 20 का नोट है, इस पर कोई और बंदा बना हुआ है पता नहीं कौन है, और ये 50 का नोट है, इस पर कोई और बंदा बना है। हमारा सही है, सब पे गांधी जी बने हैं, ये यहाँ मतलब हर देश में ऐसा ही होता है, हर नोट पे कुछ ना कुछ अलग ही बना होता है। तो यहाँ पे हर चीज़ रशियन में लिखी जाती है, मतलब हर चीज़ रशियन में ही, ऑलमोस्ट रशियन, मतलब पढ़ने में रशियन जैसी है लेकिन बोलने में थोड़ी सी अलग है रशियन से। और यहाँ पे लोग काफ़ी लोग बुरा मान जाते हैं अगर बोल दो कि भाई रशियन ही है, क्योंकि रशिया से थोड़ा सा ऐसा ही है रिलेशन, हेट लव हेट रिलेशनशिप है रशिया के साथ थोड़ा। तो अभी मैंने अपना नाश्ता लिया यहाँ पे, ये मुझे तकरीबन पड़ा 2.5 यूरो, मतलब 5 लीव हो गए 200 रुपये। एक केला, एक सेब है, मूसली है, और ये थोड़े बिस्किट हैं। तो वैसे भी यहाँ पे खाना पीना तकरीबन 5-6 यूरो में पड़ जाता है आपको एक मील, आपको टर्किश खाना भी मिल जाता है, बुल्गेरियन खाना भी मिल जाता है, तो तकरीबन 12 लीव मतलब कि 6 यूरो, मतलब कि 500 रुपये में एक मील आपकी हो जाती है। सर अभी वक्त आ गया है सोफे को बारे में बोलने का, तो मैंने एक ट्रैम टिकट ले ली है, यू कैन ऑल्सो बाय इट विद द कार्ड इन द ट्रैम। तो मैं ट्रैम लेके जाऊंगा ट्रेन स्टेशन और फिर हम जाएंगे प्लोवदीव और देखेंगे बुल्गारिया की ट्रेन कैसी होती है। मैंने सुना है काफ़ी स्लो चलती हैं, काफ़ी जैसे अपनी इंडिया की ट्रेन हैं टाइम पे नहीं आती, स्लो चलती हैं, तो लेट्स सी। तो अगर कोई कार्ड से लेनी है टिकट तो यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें मैंने ये जो पंच किया है तो ये होती है, इसमें टिकट डाल के पंच। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं सोफिया के सेंट्रल स्टेशन पे, और यहाँ से हम लेंगे ट्रेन प्लोवदीव के लिए। तो अगर ऐसा मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर सोफिया मॉस्को है तो प्लोवदीव सेंट पीटर्सबर्ग है, और जो बुल्गारिया की ट्रेन्स हैं वो काफ़ी इनफेमस हैं, मतलब लोकल्स हैव वॉर्न्ड मी कि मत जाओ, चोरी चकारी भी होती है और बहुत स्लो चलती हैं, बोल रहे हैं कि बस ले लो वो बेटर है क्योंकि बस टाइम पर जाएगी एटलीस्ट, ट्रेन का कोई भी पता नहीं है कि टाइम पर पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी क्योंकि 2 घंटे का सफ़र है, और बोल रहे थे कि इट माइट टेक लाइक 8 आवर्स 9 आवर्स, यू नेवर नो। चलिए एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि बाकी जो मर्जी हो लेकिन इट विल श्योर बी एन एक्सपीरियंस फॉर यू, तो मैंने कहा ठीक है भाई लेते हैं फिर एक्सपीरियंस ट्रेन का। तो ये ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे, अगली वीडियो में को दिखाऊंगा मैं बुल्गारिया की ट्रेन्स, और हम जाएंगे प्लोवदीव और देखेंगे एक और शहर बुल्गारिया का। तो आई सी यू द नेक्स्ट वन, गुड बाय। तो मैंने अपना सामान रख दिया था अभी अंदर आके एक बार पहले।